सो हे व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे आप लोग? होप यू ऑल डूइंग गुड गाइस। और आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत इस सुंदर से पहाड़ों से कर रहा हूँ। और अभी मौसम की बात करें तो मौसम बड़ा ही खतरनाक हुआ है। खतरनाक मतलब देखिए, ये बादल और थोड़ा सा बरसात का समय। और गाइस, मैं अपने बारे में बता दूँ, मेरा नाम रोहित मौर्य है और मैं बिहार के रहने वाला हूँ। और अभी मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ उस जगह का नाम है धौंतरी, जो प्रताप नगर क्षेत्र के उत्तरकाशी ज़िले में पड़ता है। बाई प्रोफेशन मैं एक BPM हूँ, इंडियन पोस्ट में जॉब करता हूँ। तो ये हमारा पोस्ट ऑफिस और यहाँ पे भी भयंकर बारिश हो रही है। और ये हमारे ABPM है बहुगुणा जी, जिनका 27 साल का एक्सपीरियंस है इस डिपार्टमेंट में जॉब करते हुए। तो कैसा लगता है आपको? बड़ा अच्छा लगता है, बिल्कुल बढ़िया है। मैं मतलब मेहनत कितना है ये बताइए। मेहनत तो खैर है ही है, मेहनत तो भाई डाक लेनी है, डाक चलानी है और डाक बांटनी है। मैं आपको बता दूँ कि ABPM स्टैंड फॉर असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, यानी कि ये असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर है। तो बहुगुणा जी, बताइए अपने वर्कलोड के बारे में बताइए, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि जब इस डिपार्टमेंट में आएंगे तो उनको काम क्या करना पड़ेगा, कैसे कैसे कितना मेहनत करना है। तो आपको तो 27-28 वर्षों का एक्सपीरियंस है इस डिपार्टमेंट में जॉब करते हुए। 27 साल हो ही तो गए, लेकिन समस्या ये है कि भाई डाक लेनी है और डाक बांटनी है, बाकी ठीक है। आप लोगों को नए बच्चों के भविष्य के लिए तो ठीक है, हमारे लिए क्या है? अब हमारे लिए तो कुछ भी नहीं। आपके लिए तो अब आप रिटायरमेंट के समय पे क्या पहुंच गए हैं। बिल्कुल। और नए बच्चों के लिए मतलब इसमें अपॉर्चुनिटी है, बड़ा अच्छा है, क्योंकि आएंगे और आकर के कुछ समय तक जॉब करेंगे, उसके बाद परीक्षा दे देंगे, परीक्षा दे के आगे निकल जाएंगे, तो सारे समस्याओं का समाधान मतलब हो जाएगा। तो चलिए जी, आपने हमारे बहुगुणा जी का 27 वर्षों का जो उन्होंने एक्सपीरियंस करा है इस डिपार्टमेंट में जॉब करते हुए, उनकी सारी अनुभवों को उन्होंने आपके साथ साझा किया है। तो उम्मीद है कि वो आपके लिए भी थोड़ा सा उपयोगी साबित होगा। और जितने भी कन्फ्यूजन आपके मन में चल रहे हैं कि डिपार्टमेंट कैसा है, जॉब करना है नहीं करना है, तो सारी चीज़ें मैं आपको ग्राउंड लेवल से बता देना चाहता हूँ, दिखा देना चाहता हूँ, ताकि आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। और ये हमारे बहुगुणा जी फोन में लगे हुए हैं, क्या देख रहे हैं? GDS का वो देख रहे हैं। अच्छा, GDS ही देख रहे हैं। आप देख सकते हैं आजकल चारों तरफ GDS चल रहा है। हम भी अपने पोस्ट ऑफिस से पहुंच गए हैं। बाहर देखिए मौसम कुछ इस प्रकार है, यहाँ पे लगातार बारिश की बूंदें आपको दिख रही होंगी ऐसे। और ये हमारा लेटर बॉक्स है। और ये रोड है जो आजकल यात्रा में काफ़ी व्यस्त चल रहा है। ये रोड गंगोत्री और केदारनाथ वाले रूट को आपस में जोड़ता है, तो आजकल काफ़ी व्यस्तता है इस रोड में। और देखिए, और पोस्ट ऑफिस की अगर बात करें तो ये हमारा टेबल है। तो आप पोस्ट ऑफिस के बारे में क्यों देख रहे हैं? फिर से ज्वाइन करना है क्या? फिर से इनको ज्वाइन कर रहा है। तो ऐसा कुछ हमारा पोस्ट ऑफिस है, यहाँ पे मोदी जी भी हैं और यहाँ पे तरह तरह की वस्तुएं यहाँ पे। तो गाइज, आपको मैं बता दूँ कि अभी जो टाइम हो रहा है लगभग 10:30 के अप्रॉक्स हो रहा है। मैं अपने पोस्ट ऑफिस में तो आ चुका हूँ, लेकिन मौसम इतना ख़राब है ना यहाँ पे। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, पहाड़ों में कुछ कुछ जगह ऐसे होते हैं जहाँ पे मौसम जो है अक्सर ख़राब रहता है। और जब मौसम ख़राब रहता है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा लाइट वेट का सिस्टम थोड़ा सा बुरा है, मतलब जिस जगह पे मैं रहता हूँ। तो उससे क्या होता है कि जब लाइट नहीं रहता है तो हमारे यहाँ नेटवर्क नहीं होता है, और जब नेटवर्क नहीं होता है तो मशीन चलता नहीं है, और जब मशीन नहीं चलता है तो पोस्ट ऑफिस में कोई काम ही नहीं है, काम ही नहीं होता। और आज की भी मैं बात करूँ तो आज भी मशीन चल नहीं रहा है, क्योंकि बाहर मौसम ख़राब है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे बारिश की बूंदें आपको दिख रही होंगी। तो काम भी जो है कुछ करना नहीं है विशेष, देखते हैं जो हल्का फुल्का जो कल का काम बाकी है अधूरा है उसको कंप्लीट करते हैं, और जब कंप्लीट कर लेंगे सारा काम उसके बाद समय से पहले, यानी वैसा तो टाइम 4 घंटे का होता है पोस्ट ऑफिस में जॉब करने का, मतलब आप 9 बजे से लेकर 1 बजे तक काम कर सकते हैं, लेकिन मशीन जब चल ही नहीं रहा तो क्या ही काम करना। जो काम है जो हाथ से करना है उसको निपटा देंगे, और उसके बाद फिर निकलेंगे रूम की तरफ। जब मशीन काम नहीं करता ना, तो ये हाथ से आर्टिकल वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने का जो काम होता है वही करना पड़ता है। और यहाँ पे आए हैं एक अपना आर्टिकल ले जाने, और यहाँ पे हमारे ABPM जो है वो उनको समझा रहे हैं अपने तरफ अपने तरीके से। यही सीन होता है पोस्ट ऑफिस में, जितने भी लोग आर्टिकल लेने आते हैं ना, सबसे सिग्नेचर करवा के और फिर उसके बाद उनको आर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट कर देना होता है। तो आज तो मशीन चल नहीं रहा, तो काम तो सिर्फ हम यही करेंगे डाक डिस्ट्रीब्यूट करने का, और काम तो वो मेरा नहीं है, हमारे ABPM में तो वो अभी उसमें लगे हुए हैं। देखिए यहाँ पे भी सिर्फ यही काम है आज के लिए। तो मैं अभी अपने पोस्ट ऑफिस में हूँ, जो मेरी कुर्सी मिली हुई है, जो मुझे टेबल मिला हुआ है वहाँ मैं बैठा हुआ हूँ। और मैंने आपको बता ही रखा है कि आज मशीन चल नहीं रहा तो विशेष कोई काम होगा नहीं, लेकिन अब टाइम है तो फॉर्मेलिटी तो पूरी करनी पड़ेगी, भले काम हो या ना हो। और ऐसा है कि बगल में ही मेरा रूम है, तो कभी कभी चला जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती, उतना आदमी मैनेज कर सकता है, तो विशेष कोई काम है नहीं।
हम भी जो है बैठ के आराम कर रहे हैं। तो जितने भी लोग कंफ्यूज होते हैं ना कि 4 घंटे की ड्यूटी है, पोस्ट ऑफिस में करना क्या होता है, क्या नहीं करना होता है, कितना वर्कलोड होता है, तो बस यही है, जिस दिन मशीन काम किया उस दिन ठीक है काम करो 4 घंटे, और 4 घंटे का काम भी आधे घंटे 1 घंटे समथिंग में ही कंप्लीट हो जाता है। और जहाँ नेटवर्क की इशू है, समस्याएं हैं, वहाँ पे आप आराम से बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मशीन से काम करना पड़ता है ना एक ब्रांच पोस्ट मास्टर को, जिसको RICT डिवाइस बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें नेटवर्क नहीं होता है ना, तो फिर इसमें इसके बिना पोस्ट ऑफिस में कोई काम ही नहीं हो सकता है। तो समझिए कि अभी ये जब नहीं चल रहा है तो हमारे पोस्ट ऑफिस में भी कोई काम जो है वो नहीं होगा। तो गाइज ऐसा है कि अभी हम अपने ऑफिस से आ गए हैं अपने कमरे पे, क्योंकि मशीन वशीन चल नहीं रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो जब तक मशीन बंद है तब तक इस समय का हम सही सदुपयोग कर लेते हैं, आगे खाना बना लेते हैं, क्योंकि सुबह में मैंने कुछ खा के मैं ऑफिस गया नहीं था, क्योंकि जब मौसम ख़राब होता है ना तो जल्दी मैं उठ नहीं पाता हूँ। तो और उसके बाद से फिर तब जाते हैं फिर ऑफिस, फिर तो दोबारा से मशीन अगर काम करेगा तो जो पोस्ट ऑफिस के काम होंगे उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो वही ऐसा था कि मौसम बहुत ख़राब था और ठंडा लग रहा था, मैं हाफ़ टी शर्ट में था, तो मैंने ये कपड़ा चेंज कर लिया है। और अभी पोस्ट ऑफिस को बंद करने का टाइम हो गया है, क्योंकि 1 बज गए हैं, तो निकलते हैं। सारा काम हमने जो था थोड़ा बहुत निपटा दिया, और अब निकलते हैं अपने रूम की तरफ, जाके आज पढ़ाई लिखाई भी करना है। चूँकि बिहार में मेरी BPSC की परीक्षा है तो तैयारी तो करना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगा, तो जल्दी जाना पड़ेगा जल्दी। भाई ऐसा है कि खाना वाना भी बन के तैयार है, और खाने में आज मैंने बनाई है, देखिए क्या बना है, मटर पनीर की सब्जी और रोटी, चलिए खाते हैं। तो अब बारी है ना कि खा के उसका टेस्ट जल्दी से जल्दी चेक करते हैं कि उसका टेस्ट बना कैसा है। चूँकि मुझे खाना वाना बनाने नहीं आता, लेकिन वैसे ही घिसा पीटा बना लेता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। वैसे मैं आपको बता दूँ कि मैं जीवन में कभी घर से बाहर रहा नहीं, मतलब जब भी आप परिवार के साथ रहा हूँ तो खाना वाना बनाने की नौबत ऐसे कभी मेरे पास आई नहीं है। लेकिन जब से यहाँ पोस्ट ऑफिस की नौकरी मेरी हुई, जब से मैं बिहार छोड़ के उत्तराखंड आया हूँ, तब से अपना ही हाथ पैर चलाना पड़ता है। और खाना तो बन के रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं भारत के नक्शे की तरह मैं रोटी भी बना लेता हूँ, आता है मुझे रोटी भी बनाने। तो हालाँकि मैक्सिमम टाइम ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि चावल ही बनाऊँ, क्योंकि उसमें मेहनत नहीं लगता, रोटी में बड़ा मेहनत लगता है। चलिए अब खा के उसका टेस्ट चेक करते हैं कि लगता कैसे है वो। ऐसा है ना, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है जीवन की कि अपना बनाया हुआ खाना ना हमेशा अच्छा ही लगता है। तो मेरा भी टेस्ट में ठीक ठाक हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है कह सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं फिर बहुत जल्द एक अच्छे और खूबसूरत वीडियो के साथ। फिलहाल इस वीडियो में दीजिए हमें इजाज़त, क्योंकि हमें जाना है खाना खाने, भूख लगी है बड़ी तेज़। बाय गाइज, अपना ख्याल रखिएगा।